बहुत सारे काम है आज करने के लिए, और भी पैकिंग भी करना है आज, और बज गए हैं 12:30। तो यहाँ पर मेरा बहुत सारा काम अभी फैला हुआ है। सुबह से रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, मोबाइल उठाने का टाइम नहीं मिल रहा था। जस्ट अभी मैंने फ़ोन उठाया है तो मैंने सोचा आज की ब्लॉग स्टार्टिंग तो कर ही दूँ, और इनफैक्ट कल इसको मैं पूरा कर दूँगी। तो फाइनली आज इसका मौका आ ही गया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन, और यहाँ पर बस 1 kg मटन बना रही हूँ। कल मुझे जाना है झांसी, बहुत सारे काम है। आज ही मैंने जो बच्चों के स्वेटर है ना, वो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत निकाल लिए थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, आज निकाले और उनको फिर मैंने धोया, और फिर आज न्यू कपड़े भी निकाले। इतनी जल्दी निम्रा की शादी फिक्स हो गई ना कि हमें भी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है, और ना ही मैं आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में बता पा रही हूँ। तो अभी तो ये सारे काम करने के बाद मैं जा रही हूँ घर, और उसके बाद सीधे आप लोगों को सगाई की वीडियो देखने को बिस्मिल्लाह मिलेगी। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग हो गए रेडी, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। कल पूरा दिन मुझे पैकिंग में हो गया, बट मुझे मोबाइल उठाने का टाइम नहीं मिला। तो जस्ट अब फ्री फ्री क्या हुए, बस निकल ही रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज नानी के यहाँ, इनकी नानी के यहाँ, मायका तो दूर, नानी के यहाँ जा रहे हैं हम। तो बस ये हमें छोड़ने जा रहे हैं, ये आएंगे परसों, क्यों, और मैं 2 दिन पहले जा रही हूँ। वैसे मैं जा रही थी 1 दिन पहले ही, लेकिन अब आज पप्पी के यहाँ देखे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, ज्यादा टाइम है नहीं है, रास्ते में आप लोगों से रास्ता दिखाएंगे। और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, सुबह से काम कर रही थी तो मुझे तो इतनी ज्यादा ठंड लग नहीं रही। और लगेज देखें आप, दो दो बैग हो गए सिर्फ 2 दिन के लिए। एक ये बच्चों का बैग है, एक ये मेरा बैग है। मैंने स्वेटर भी नहीं रखे फिर भी। और कल ही अपनी नानी के यहाँ से आई है, और आज हम जा रहे हैं नानी के यहाँ। चले तो बस यहाँ पर सुबह से भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। बस मेरे पास यही आप लोगों के कहने के लिए अल्फाज होते हैं, और ये कहने के अल्फाज आप लोग सोचते होंगे काम है, फिर भी अपना काम जो है ना पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं। अब खैर कोई बात नहीं, अपने आप को मैं खुद ही तसल्ली दे लेती हूँ। आप लोग तो कमेंट्स में मुझे तसल्ली देंगे नहीं, कमेंट्स करके या फिर मुझे किसी भी चीज़ से मोटिवेट कर कर आप तसल्ली नहीं देंगे। जा रहे अपन, जा रहे नन्नू के यहाँ, आ गए हम स्टेशन। मोबाइल बहुत ज्यादा गंदा हो गया मेरा। आप लोग सब लोग जा रहे हैं झांसी तूफान एक्सप्रेस। और स्टेशन पर आकर मुझे मिला बड़ा सरप्राइज़। देखे मेरी कितनी सारी सासू मॉम जो है ना, वो सभी लोग जा रही हैं झांसी, क्योंकि आज है पप्पी की यहाँ 11वीं और उनके जो पोते का हकीका है, तो बस सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये सब लोग जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा इस बार का सफ़र। सच्ची में बहुत अच्छा लगा जब हम बहुत सारे लोग साथ में मिलकर जाते हैं ना, तो सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता है, और वक्त का कुछ भी पता नहीं चलता। तो काफी इंजॉय किया हमने ये सफर। हम ट्रेन में बैठे हैं। हाँ मम्मा, ये सो गई है। एमी, दादी, चाचा, इतनी जोर से निकलना कि पी का बिंदी और नाक और हम ट्रेन में बैठे हैं। ये शायद ग्वालियर आ गया, हम आ गए ग्वालियर।
ये कौन है? ये अम्मी हमारी पागल है जो पॉपकॉर्न खा रही है। ये एक और है और अभी हमारी गाड़ी रुकी है। कौन सा स्टेशन है ये? पिग्गी स्टेशन है। पिग्गी, ये पिग्गी स्टेशन है। अच्छा, हमारा सफर तो जबरदस्त था ही, उसके साथ साथ यहाँ का वेदर देखें कितना जबरदस्त लग रहा है देखने में। गाड़ी बहुत फास्ट चल रही थी जब मैंने कैमरा खोला और यहाँ का व्यू देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। प्रकृति की तो बात ही कुछ और है, जब मौसम चेंज होते हैं ना तो पेड़ पौधे जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है ना कि हमें देखते ही आँखों को ठंडक मिलती है। और हवा भी ना बड़ी शानदार चल रही थी। अच्छा, सर्दियों किस किस को पसंद है ये तो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं आप। तुमसे वहां तक भी नहीं बना तो हमें बताएंगे क्या? इतनी जल्दी स्पीड दे दी तुमने तो। दोनों तरफ से हो गई। ओके, हम आ गए घर, अब अपन लोग चलेंगे वहां पर। अभी हम लोग जाएंगे अपनी एक और पप्पी के यहाँ, फिर रात में जाएंगे एक और पप्पी के यहाँ। आज हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे, घूमते रहेंगे। ये देखो पानी हो रही है। अच्छी तो दिख रही हो, अच्छी दिख रही है। अब देखना घर में पुताई हो रही है तो क्या सच बन के बैठेंगी? बोला हम वीडियो बनाते हैं तो सच बन के बैठेंगे। देखो अच्छा, हम भी ऐसे ही आए, बस नहा के कपड़े ही पहने हैं बस। कपड़े हो गया चालू? मम्मा मैं तो चाली सा नहीं होया हूँ, अभी आई हूँ ना, अभी हो जाना आराम से। ओके आप जाओ तो मैं जाऊँ, कहीं नहीं जा रही हूँ अभी। इसको तो आप लेके जाना। हाँ चप्पल पहन लो, स्लीपर पहन लो, मुर्गी। हाँ इसको लेके जाना रुक जाओ मम्मी, दोनों जने बाजार करना, मम्मी और आप दोनों खूब। वो भी फिरेंगी, आप भी फिरना, फिर दोनों मिल जाएंगी मम्मी, फिर अच्छे से शॉपिंग हो जाएगी सबरी। मटर पनीर, अच्छा हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया घर पे, मम्मी पापा थे नहीं तो बस मैंने कपड़े चेंज किए, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई। अच्छा, मेरा लिपस्टिक बोलने का तरीका कुछ अलग है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ सलोनी के, हम आए हैं अभी सलोनी के घर। बस ये है सलोनी के घर, तहसील तो गली के अंदर है हम लोग। और अभी आए थे घर, खाना खाया हम लोगों ने, सीधे नाश्ता करा, ज़रा भी नहीं बैठे, मम्मी पापा थे नहीं, मार्केट गए हैं। और बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, घर पहुँचते हैं सलोनी के, फिर मिलते हैं आपसे। सलोनी के घर में अंधेरा है, चल सकते हैं ऊपर। तो
बस इसी के साथ मैं रसगुल्ले खाते हुए अपनी वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए इसके बाद जो वीडियो देखने के लिए मिलेगी वो मेरी पप्पी के और हकीके की वीडियो देखने के लिए मिलेगी, जहाँ मैं जा रही हूँ उसके बाद आप लोगों को सगाई की वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो का भी आप लोग इंतज़ार करें, और ये वीडियो कैसी लगे वो भी कमेंट्स में बताइएगा। और मेरा एक और यूट्यूब पर चैनल है जो मैंने अभी अभी खोला है विकलिस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें आप लोग, और वहाँ पर मैं अभी कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनको देखें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।